आज हम लोगों का दिन है, पर लग नहीं रखे हम लोगों का दिन है। थोड़ा 5-10 मिनट और वेट कर लो तो फिर ऊपर आ ही जाएंगे। मैं तुम्हारी, तुम मेरी। हाँ। सोच रहा हूँ टैंक में पाइप डाल पकड़ा दूँ, अगले साल मैं इसका बदला लूंगा, ध्यान रखना तुम। Hey guys, welcome back to another vlog। तो हम लोग कल उदयपुर से आ गए थे, रात में इतना थकान हो गई थी कि कुछ हालत समझ नहीं आ रही थी। फटाफट से मतलब एक्सप्रेस वहाँ से तो सोना से जल्दी निकले, फटाफट गाड़ी खींची, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था, हल्का फुल्का था, और आकर के फटाफट सब कुछ ऐसे रखा सो गए। और दिन में जा कर के उठे, फिर भाई क्या ही बताऊँ, नहाया धोया, फिर थोड़ा सा मौसम बदल रहा है तो टी शर्ट नहीं डाली, ऐसे ही सैंडो बनियान में तो घूमने लगे, फ़ैन चला लिया कि बाल धोए थे ये वो सुखाने के लिए, तो थोड़ा बुखार पकड़ लिया भाई। 2 दिन बुखार में अच्छी खासी तोड़ाई हुई अपनी, दवा वा ली, क्योंकि वायरल फीवर से मतलब थोड़ी सी लापरवाही थी, वही देखो तुरंत बुखार पकड़ लिया। वहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई ठंड गर्म में, यहाँ जैसे घर आया नहाए धोया हवा में इधर से घूमे घर में ही, और भाई सब बुखार पकड़ लिया तो हालत ख़राब हो गई थी। फिलहाल अभी जा करके थोड़ा सा राहत मिला है, आज थोड़ी सी हेयर कटिंग ली क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा बड़े हुए, अच्छे नहीं लग रहे थे, और उसके बाद थोड़ा सा फिर कलर लग गया क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइटिश हो रहे थे, तो अभी थोड़ा सा कटिंग वाले दिन से लेकर के 15 दिन थोड़ा सा उठपटांग लगते हैं, फिर थोड़ा सा नॉर्मल लुक आ जाता है। हम लोग हमेशा ऐसे ही होता है, कटिंग के दिन बाल अच्छे नहीं लगते लेकिन 10-15 दिन बाद अच्छे लगने लग जाते हैं। तो फिलहाल आज आपको बताना चाहूँगा कि आज है करवा चौथ, करवा चौथ की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएँ। कल रात में हम लोग गए थे तो सुनिया को मेहंदी लगवानी थी, तो यहाँ मार्केट है द्वारका की, वहाँ पे बहुत सारे लेडीज आती हैं रात तक, वहाँ पे खूब हैपनिंग रहता है, तो मेहंधी लगवा ली थी। सुबह उठे नहाए धोए, मैंने कलर वलर किए बाल, उसके बाद सोने तो अभी रेडी हो रही है, वो रेडी होकर के अपनी जो पूजा पाठ है वो जो रिचुअल्स है वो करेगी, उसके बाद फिर मैं अपना कुछ देख लूँगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लगी भूख तो मंगा लेंगे, नहीं होगी तो ऐसे ही निकल जाएगा, नहीं तो कुछ घर में रखा हुआ है कुछ खा लेंगे। तो फिलहाल अभी वो रेडी हो जाए, उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्लान है। फिलहाल मैडम हो गई तैयार, कम से कम 1-2 बार नहीं 50 बार बोला का पूछा होगा तैयार तैयार, नए कर्टन डाल लिए तो नए कर्टन हट ही नहीं रहे, और देखो हम संस्कारी पुरुष हैं तो हमने बिल्कुल कर्टन में हाथ नहीं लगाया, हमने पूछा सुनती हो तैयार हो गई तैयार हो गई तैयार हो गई तैयार हो गई, तो फिलहाल मैडम तैयार हो गई और निकल रही है। हाथ नहीं डाला इन्होंने ना, मैंने बिल्कुल नहीं करा, मैंने कभी बाहर, मैंने बाहर से पूछ लिया, अरे सुनती हो तुम ना, हाउस दिस इज व्हेन यू लुक, ये लो भाई तैयार, फिलहाल अभी जा रही है अपने घर पूजा के लिए, पूजा के लिए उसके बाद आई फिर उसके आगे का प्रोग्राम होगा, तो वो तो आगे आप वीडियो बने रहो, आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल इनकी आज ये बहुत ज्यादा ही चौड़ी आ रही है, आज हम लोगों का दिन है पर लग नहीं रखे दिन है, देख रहे हो बाल कटा के एकदम बउआ बनवा दिया गया हमको, एकदम छोटे कटवा करके तबीयत से उठे और सीधा ले जाके बैठा दिया कि लो बाल कटाओ पहले। बेटा उदयपुर से आने के बाद ना सिर्फ 2 दिन में तैयारी किया, सिर्फ 2 दिन में, ये देखो कल हमने लगवाई वहाँ पे बैठी कितनी अच्छी, कल कहते हैं भाई मार्केट में बहुत भीड़ थी। अच्छा चलो तो मैं ये बताऊंगा अब तक की सबसे इतना भी लेट नहीं गया था, मेरा नाम इसमें तो घुसते घुसते बहुत टाइम लग जाएगा, राज को इसमें मेरा नाम नहीं मिल रहा है, रुको जरा सबर करो, ये नाम तक नहीं ढूंढ पा रहा अपना, इतना पूरा हाथ तो भर रखा हुआ ड्राइंग कर रखी है भाई, ऐसा कैसे पता चल जाएगा। सामने लिखवाया राज के, राज बैठा हुआ था वहीं पर ही, मेरे को बता के ना बैठा लिखवाया था, बड़ा भाई 4-5 साल तो लग जाएंगे खोजने, सामने दिख रहा है मुझे यार। तो तुमने तो लिखवाया तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें तो दिख ही रहा होगा सामने, राज को नाम नहीं दिख रहा है, अभी वीडियो को सूट करके देखिएगा। ये आइडिया बढ़िया था, जाओ मैं जूम करके देखे यार फाइनली बताऊंगा भाई, पूरा नेट पूरा जंग जाल बना रखा है पूरा, और खुद बनवाया है तो खुद को तो पता होगा ना कि कहाँ लिखवाया है, देखा ये मतलब ये टास्क दे, मतलब जबरदस्ती मतलब सौदा हो जाती है। चलो फिलहाल गाड़ी निकाल के बैठा के इनको छोड़ के आते हैं, क्योंकि इधर बाहर कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो गाड़ी वाड़ी निकाल देंगे ना फिर कहीं इधर उधर हो जाएगी। तो वैसे अभी आगे मैं छत पे, और पीछे देखोगे तो पूरी सजा हुआ है पूरा द्वारका, एकदम लाइटें वाइटें लग गई ना क्योंकि दिवाली भी आ रही, धनतेरस भी आ रहा है। फिलहाल अभी चांद तो निकले नहीं है, मैंने कहा सुनिए तो कि तुम तैयारी करो, तो मैं देख करके आता हूँ। लगभग 8:20 हो रहे हैं अभी, यूपी में भी मैंने मतलब अपने घर में भी बोला हुआ है कि जैसे निकलो बता देना कि भैया वहाँ पर हैं कानपुर, तो देखो कितनी देर में निकलते हैं, अमून 8:30 बजे तक तो निकल ही आते हैं, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो फिलहाल वेट करते हैं और जैसे निकलते हैं उसके बाद सुनने को मैं ले आऊँगा छत पर। और जैसे जैसे दिवाली आ रही है तैसे तैसे सजावट देखो कितनी मस्त हो जाती है ना, मैं भी 2-1 दिन में मैं भी अपनी झालर वालर जो रखी है उनको निकाल लूँगा, देख लूँगा भाई
काम कर रही है नहीं फिलहाल। दिवाली आने से पहले, धनतेरस आने से पहले अलग ही लेवल की जगमग जगमग जगमगाहट हो जाती है, अच्छा लगता है। कहीं कहीं तो क्रैकर्स की हो जाती है, छोटे मोटे पटाखे जैसे बच्चे उड़ाते रहते हैं, पता नहीं दिल्ली में मिल रहे नहीं मिलने अब, या तो ब्लैक में लेकर के आओ कहीं। अब मुझे तो खैर उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मैंने मिल तो जाएंगे कहीं ना कहीं से, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, बस थोड़ा शगुन के ले आएंगे। सुनिया को वो थोड़ा रहता है ना, वो फूल जड़ी ऐसे जला दो तो बस, बाकी देखो चक्कर चलता। अभी तो बहुत कम है, अभी और ये लोग सजाते जाएंगे। सही है, बढ़िया है। अरे भाई 8:30 हो गए, 8:33 हो गए, लेकिन अभी तक दर्शन नहीं दिए चंद्रमामा ने। इस बार तक क्या ज़्यादा लेट कराएंगे, कितनी बेचारी औरतें इंतज़ार कर रही होंगी, अभी तक नहीं आए भाई। एक तो कहीं के क्या होता है ना, कहीं कहीं हाई राइज बिल्डिंग होती है तो उनके पीछे छिप जाते हैं, तो टाइम लगता है। किसी कहीं खाली जगह हो, मैदान वगैरह हो, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, अपार्टमेंट कॉलोनी, वहाँ जल्दी दिख जाते हैं, तो यहाँ तो टाइम लगेगा भाई। तो गाइस मैं आ गया हूँ नीचे, सोनिया अपना रेडी हो रही है, रेडियो के फिर ऊपर जाते हैं। अभी चांद अभी पूरी तरह से ऊपर नहीं आया क्योंकि सामने एक दो बिल्डिंग्स बनी हुई ना, तो उनके आड़ में अभी थोड़ा वो और ऊपर आ जाएँ। तो ये अलग हिसाब रहता है कि कुछ लोगों को जल्दी दिख जाते हैं, कुछ लोगों को देर में दिखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो कितनी ऊंचाई पर हैं और कितने नीचे कहीं रह रहे हैं। अभी तो फिलहाल नज़र नहीं आया, अभी लगभग 8:42 हो रहे हैं, 8:42। पिछली बार जल्दी देखे थे क्योंकि सामने वाली बिल्डिंग हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उतना बनी नहीं थी, अब पूरी बन गई, तो जब तक वो ऊपर निकलेंगे नहीं तब तक दिखेंगे नहीं। फिलहाल ये रेडी हो जाए, पूजा पाठ की जो चीज़ें लेकर के ऊपर चलते हैं, तब तक तो वो निकल ही जाएंगे, ऊपर तक आ ही जाएंगे। तो अभी भी चांद अभी वो 3 टैंकों के आसपास ही निकलेंगे, वो 3 टंकियाँ पिछली बार ये बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी तो जल्दी दिख गए थे, इस बार ये इन टंकियों के आगे पीछे छिपे हैं। थोड़ा 5-10 मिनट और वेट कर लो तो फिर ऊपर आ ही जाएंगे। ये सही रहता ना, जितना हाई राइज रहा उतना कितना बेनिफिट है ना, करवा चौथ में वहाँ शिफ्ट हो जाया करेंगे हाई राइज में, 50-60 फ्लोर पर। बुर्ज खलीफा चले, सबसे बढ़िया बुर्ज खलीफा, वो देखो कनेक्ट। चलो 5-10 मिनट ख्याल से 48 पे, यूपी में तो 40 पे निकल आया, तो 5-10 मिनट यहाँ भी इनको 15 मिनट लग ही जाएंगे आते आते। वो तो क्या थोड़ा सा होराइजन में थोड़ा वो फॉग वगैरह थोड़ा वो रहता है ना, बादल वादल कहीं हैं, वैसे तो मौसम क्लियर है। फिलहाल देखते हैं यहीं से निकलेंगे, पिछली बार यहीं निकला, बहुत ज़्यादा डायरेक्शन चेंज हो जाए। पिछली बार याद है ना ये टैंक रखे ना जो सामने वाली बिल्डिंग पे, इसी के आसपास निकले थे। अरे यार देखा ना वो टंकी के ऊपर टिमटिमा रहे हैं, अरे थोड़ा जल्दी ऊपर आ जाओ प्रभु। अंटियों पे खड़े होकर के तो ये दिख रहे हैं, अभी नीचे उतरेंगे तो नहीं दिखेंगे, अभी 10 मिनट और मान के चलो, ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। तो भैया चांद तो आ गए हैं, लगभग अभी भाई 9:04 मतलब तो पहली बार 9:04 शायद ही मैं 9 बजे कभी मतलब चांद इतने निकले होंगे ना, पहले निकल आते थे तो हालत खराब हो रही है। फिलहाल होता ही है पूरा सुबह से काम तो, चलो फटाफट पूजा निपटा दें। टैंक में 5 डाल उसको पकड़ा दूँ। 4 टैंक रखे हुए हैं एक टाइम से, पानी का कोई टेंशन नहीं है, अनलिमिटेड सेवा है बिल्कुल। एक पाइप लाऊंगा वो हॉर्स पाइप आती है, चलो भाई पूजा तो हो गई, अब फटाफट नीचे चलते हैं, खाना पीने करते हैं और थोड़ी सी उनकी फोटो वोटोस और शॉर्ट्स वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि भूख कितनी लगी हो, प्यास कितनी लगी हो, आप शॉर्ट्स और रील के बिना आप इनको मना नहीं कर सकते। देखो चेहरे पे मुस्कान आ गई थोड़ी देर पहले, हाँ हाँ ऊपर, हाँ मुझे फ़ोन कर देना मैं आ जाऊँगी, अभी देख लो शॉर्ट्स और रील का नाम लिया था। तो फाइनली गाइस मैडम ने चाय पी ली है, मैं भी चाय पी रहा हूँ, गोले की स्पीड से चाय बनी,
और तूफान की स्पीड से छन के आ गई और रॉकेट की स्पीड से अंदर भी। भाई अब जाके जान में, अब भूख नहीं लग रही, बस पानी और चाय मिल जाए। चाय है तो जब तक है जहाँ है। आज की चाय तो अमृत लग रही थी कसम से। यही पियो, अब पेट भर गया, खाना मत खाना। खाना का मन ही नहीं कर रहा, बाकी फास्ट में होता ना कि खाना चाहिए खाना चाहिए, बट इस बार ऑन कैमरा मेरी बेइज्जती कर रही हो, यही है तुम्हारा पति धर्म है? निप चुका है वो, हेलो पानी पी लिया। क्या जमाना है, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। अगले साल मैं इसका बदला लूंगा, ध्यान रखना तुम। चाय भी नहीं बनाई, वो मैंने बनाई है, देख रहा हूं। तो क्या कर लोगी? वैसे भी मैं वेट नहीं करती कि तुम बना, मैं खुद ही बना के पूछूंगी। गोली की स्पीड से नीचे तो आई जाता, मैं इधर को देखा है, वो जैकेट वगैरह उतारी हुई, अंदर गर्मी हो रही है, ऊपर ठंडा हो रखा है। तो चलो फिलहाल अब खाना खाते हैं, ये भी थोड़ी देर में 5-10 मिनट में खाना खाएंगे।